आवाज आ रही है आपको? बताओ। यस मैम। आपको मैम, आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है। बेटा अब क्लियर है आवाज में? यस मैम। अच्छा चलिए मुझे बताइए बेटा कि आप में से कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ब्रेन सीटी का लेक्चर पढ़ा था? ब्रेन सीटी कौन कौन पढ़ के आया है? पढ़ा था आपने, देखा था उसको? यस मैम। तो मुश्किल नो मैम, थोड़े से और रिवाइज करेंगे तो आ जाएंगे। वॉइस बेटा आप लोग इधर सो रहे हैं, रिस्पॉन्स करें। वॉइस में से कोई बताए पढ़ के आए ब्रेन सीटी यस पढ़ा मैम। था? यस मैम, पढ़ लिया समझ आ रही थी जैसे स्लाइसेस में मैंने आपको बताया था कि पढ़ना है? जी मैम। क्या आप सब बच्चों ने कोई इतनी अच्छी स्पॉटिंग, जब मैंने आपसे वाइवा में पूछा था ना, तो आधे बच्चों के जो मार्क्स डिडक्ट हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि हर बच्चे ने फ्रैक्चर, यानी कि जो आपकी स्पॉटिंग है वो बेसिकली अभी कमजोर है, ठीक है? यानी कि जो आप इमेजेस, आपको भी ये रीड करना है, जब इमेजेस यस मैम। क्रॉस सेक्शनल जो हम पढ़ रहे हैं रेडियोलॉजी, उसका तो फायदा नहीं है ना। आप देखिए थ्योरी तो बेटा किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना है, लेकिन जो आपका रेडियोलॉजी का पर्पस है वो ये है कि आपको इमेजेस देखने आ रहे हैं। अभी तो मैंने बहुत मुश्किल हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो बेसिक बेसिक पी ही रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए बच्चों इस जो आपका सब्जेक्ट है इसको साथ साथ पढ़ें। और आप सबने देखा होगा कि मैंने एलएमएस पे आपकी असाइनमेंट भी अपडेट की हुई है, ठीक है? तो वो असाइनमेंट अब आपने मुझे सबमिट करवानी है। चलिए हम लेक्चर के एंड पे इसको डिस्कस करते हैं। ओके एनीवेज, सो क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, indications to assess equal imaging findings. कोई भी आपको लगता है कि जो हमारे locally organs में कोई जो type of abnormality आ रही है, कोई pathology है, उसमें अगर हमने findings देखनी हो in the form of images, तो हम CT abdomen कराते हैं। stages of hepatic neoplasms, ठीक है जी, लिवर से रिलेटेड जो भी कोई मास बना हुआ है उसके अंदर कोई एब्सेस है या फिर वहां पे कोई नियोप्लास्टिक टिश्यूज है, तो उसके लिए हम सीटी एब्डोमेन करा सकते हैं। मेटास्टैटिक वर्कअप ऑफ प्राइमरी प्राइमरी मैलिग्नेंसीज, ठीक है जी, जितनी भी मैलिग्नेंसीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो अगर कोई मैलिग्नेंट टिश्यू होता है उसको हमें स्टडी करना होता है तो हम सीटी करवाते हैं, तो हमें बड़ा ऐसे ही पता चल जाता है कि वो कितना स्प्रेड हुआ है। देन डायग्नोसिस ऑफ एब्डोमिनल मैसेस, ठीक है, कोई भी एब्डोमिन में हमें लगता है कि एबनॉर्मल मैस है, ठीक है, किसी भी कोई भी एबनॉर्मल मैस है, कोई फ्रूट की एबनॉर्मल फ्लेक्शन हुई है वहां पे, ठीक है, और उसको हमने डायग्नोज करना है तो हम एबडोमिन सीटी करा सकते हैं। असेसमेंट ऑफ बाइलरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो बाइलरी डक्ट्स हैं, ठीक है, अगर उसमें हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए भी जो है वो सीटी एबडोमिन करा सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ वास्कुलर लेजन्स, ठीक है जी, जितने भी बेसिकली आपके बॉडी जो एब्डोमेन से रिलेटेड वेसल्स है, ठीक है, अगर हमें वहां पे कोई लेजन लग रहा है या वहां पे कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, तो उसको भी आप जो है वो सीटी एब्डोमेन से देख सकते हैं। असेसमेंट ऑफ सस्पेक्टेड पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है जी, पेशेंट आया है ट्रॉमा का था और उसमें हमें लग रहा है कि ट्रॉमा ने जो है वो किसको अफेक्ट किया, उसके एब्डोमिनल पार्ट को जो है वो हिट किया, ठीक है, तो उसमें भी अगर हमें देखना है तो आप जो है वो सीटी एब्डोमिन करा सकते हैं। इसके अलावा भी नंबर ऑफ कंडीशंस हैं, ठीक है, इंडिकेशंस हैं, बट यहाँ मैंने कुछ जो है वो सिर्फ मेंशन की है।
जैसे कि बच्चों यहाँ पर मेंशन नहीं की क्योंकि मैंने चेस्ट को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया, जितनी भी हमारी एक्सरे की सारी इंडिकेशन होती है चेस्ट के लिए, न्यूमोथोरैक्स को हम देखने के लिए कर रहे हैं, प्यूरोफिशन के लिए हम कर रहे हैं, आप जो है वो कोविड के लिए भी हम चीज जो है वो चेस्ट सीटी करवा सकते हैं, निमोनिया के लिए आप करवा सकते हैं। सो नंबर ऑफ इंडिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि सब में सेम होती है, पेशेंट की जो एक प्रेजेंटेशन होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमें उसको फर्दर रूल आउट करने के लिए या एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने के लिए सीटी की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा मैंने इसे पेशेंट प्रिपरेशन ऐड किया हुआ है, फास्टिंग 4 to 6 hours बिफोर द एग्जामिनेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड करने जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर कहती है कि आपने जो है वो अपना यूरिन जो कि आप अल्ट्रासाउंड करते हैं पेल्विक रीजन का, ठीक है, अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स का आपने कभी देखा हो तो वो यूरिन ये कहती है कि आप अपना जो है वो ब्लड फिल करके आइएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो एरियाज है वो सारे उनको प्रॉपरली जो है वो स्कैन करके नजर आ जाए। तो इसी तरह से हम जो है वो अगर हमें सीटी करना होता है एब्डोमेन के लिए तो उसमें पेशेंट को 4 to 6 hours जो है उसके लिए फास्टिंग कहा जाता है, ताकि जो है वो गैसेस और जो फूड है उसके पार्टिकल्स और वो सब आपको जो है वो एब्डोमेन में क्लियरली नजर ना आए, ठीक है, अदरवाइज फिर क्या होगा कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना सकते। रेडियोलॉजिस्ट समटाइम नीड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। बच्चों जैसे हमने मैंने आपको सीटी जो है वो ब्रेन में बताया था, सॉरी मैंने आपको बताया था कि हमें जो है वो प्लेन रेडियोग्राफ जो है वो जरूर लेना होता है जब हमने सीटी करना होता है, ठीक है। इसी तरह से ही जब भी पेशेंट को एब्डोमिनल पेन या एब्डोमिन के किसी भी कंपार्टमेंट का आप सीटी करते हैं तो उसके लिए हमें एक अल्ट्रासाउंड पहले रिक्वायरमेंट होती है, और आपने देखा होगा अक्सर होता भी यही है कि जब भी पेशेंट को किसी भी क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिन में पेन आती होती है तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग आई है फिर हम मजीद उसको जो है वो एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने के लिए हम क्या करते हैं सीटी की तरफ उसको रेफर करते हैं। ओरल लेक्सेटिव मस्ट बी गिवन, ओरल लेक्सेटिव जिसे हम देते हैं ताकि जितने भी जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं ठीक है वो सारे जो है वो रिलैक्स हो जाए और आप इजीली जो है वो स्कैन कर सकें। आईवी बस्कोपैन इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बस्कोपैन बेसिकली जो है वो हम इससे देते हैं क्योंकि पेशेंट को अगर कोई एब्डोमिनल पेन है या डायरिया है या डेफिनेटली जो भी पेशेंट आपके पास आएगा वो किसी पैथोलॉजी के साथ आ रहा होगा, ठीक है, वो उसको इंटेस्टाइन का मसला होगा या कोई भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा, तो पेशेंट को एट द टाइम ऑफ द स्कैन अगर कोई बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन या टेंडरनेस ये सब शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका स्कैन सारा क्या हो जाएगा सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हम इससे प्रोटोकॉल कर रहे हैं, फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेक्सेटिव्स भी उसको दे रहे हैं, साथ उसको जो है वो हमने टेंडरनेस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बस पर आईवी में दे दिया। एंड यू डायरेक्ट फॉरवर्ड मस्ट बी रिमूव्ड। मैम ये फास्टिंग वाला एब्डोमिनल के लिए? जी जी बच्चे बिल्कुल, फास्टिंग जो है वो मैंने अभी आपको बताया ना फास्टिंग इसलिए करनी है बेटा ताकि पेशेंट ने अगर पानी पिया होगा ठीक है या उसने खाना खाया हुआ होगा तो स्टमक ऑलरेडी जो है वहाँ पे गैसेस बनी हुई होंगी, ठीक है, बोनस आपको वहां पे मिल रहा होगा, तो ये सारी चीजें हमें एब्डोमेन में नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्लियर एब्डोमेन चाहिए ताकि हम जो वहां पे मैस पड़ा हुआ है जो तो वो मेटास्टेसिस हुआ हुआ है तो उसको हम डिटेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 5 to 6 hours आप कुछ भी ना खाएं, जब वो कुछ भी नहीं खाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्टमक जो है वो कुछ हद तक क्लियर आपको नजर आएगा, ठीक है, एब्डोमिनल जो आपको जितने भी ऑर्गन्स है वो आपको क्लियर नजर आएंगे, वहां पे कोई गैसेस और इस टाइप के पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेटेलिक फॉरन मस्ट बी रिमूव, मैंने आपको जैसे हमने पहले ही पढ़ा था लेक्चर में कि आर्टिफैक्ट्स जो है वो हमने कोई भी नहीं आने हमारे स्कैन के अंदर, तो कोई भी मेटेलिक फॉरन पार्टिकल अगर आपको लगता है कि पेशेंट ने कोई ज्वेलरी पहनी हुई है कुछ भी तो आप उसको रिमूव करा देंगे। प्रेफरेबली द पेशेंट शुड बी इन हॉस्पिटल गाउन, ठीक है, पेशेंट को डेफिनेटली हॉस्पिटल गाउन के अंदर जो आपने देखे होंगे पेशेंट को हम गाउन पहनाते हैं हॉस्पिटल में प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए, वो हम जरूर पेशेंट को चेंज करवा देंगे अगेन, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई जो उसने कपड़े पहनने में है वो इस तरह के हैं कि उसके ऊपर कोई भी किस्म की कोई एम्ब्रॉयडरी है या कोई भी इस तरह का मेटेलिक वर्क हुआ हुआ है तो वो क्या करेगा हमारी इमेज के अंदर आर्टिफैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है जब हमने एब्डोमिन सीटी कराना है तो उसके लिए पेशेंट को ये सारी इंडिकेशन दी जाती है। ओरल कंट्रास्ट, अच्छा जी, अब इसमें बच्चों जैसे हमने बाकी पढ़ा था कि एक्सरे में मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रास्ट इमेजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है जी, इसी तरह से ही हम जो है वो सीटी एब्डोमेन के लिए कंट्रास्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ताकि आपके जैसे हमने फ्लोरोस्कोपी पढ़ी थी और मैंने आपको कंट्रास्ट इमेज दिखाया था कि कंट्रास्ट देना जरूरी है ताकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे विजुलाइज हो जाएं। इसी तरह से ही एब्डोमेन सीटी के लिए भी हम कंट्रास्ट जो है वो यूज करते हैं मिनिमम 100,000 ml डिवाइडेड इनटू 4 cups, ठीक है जी, जितना भी हमने किसी भी एरिया को विजुलाइज करना है तो उसके लिए मिनिमम कंट्रास्ट जो हमने लेना है वो
1000 ml होगा, जिसको हम फोर डिफरेंट कप्स के अंदर जो है डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट कप वन आवर बिफोर द एग्जाम, सेकेंड टू फोर्थ कप एवरी 15 मिनट्स, स्टार्ट एग्जाम 5 मिनट्स आफ्टर द फोर्थ कप. ठीक है, तो ये बेसिकली ये एग्जामिनेशन के लिए है कि जो भी आप कंट्रास्ट दे रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को. अब डिपेंड करता है कि हम उसको ओरली भी दे सकते हैं, ठीक है, और कुछ कंट्रास्ट जो होते हैं वो हम आईवी कंट्रास्ट भी दे सकते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे इसका कुछ मेंशन है, वो हमारे पास ओरल कंट्रास्ट है, ठीक है. तो जो भी आप कंट्रास्ट दे रहे हैं फिर उसको हम फोर कप्स में डिवाइड करते हैं. एक एग्जामिनेशन से जो है वो एक घंटा करते पेशेंट से कहते हैं कि जी आप उसको लेंगे, फिर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं. यूज इन सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस. आपको पता है अपेंडिसाइटिस के बहुत ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, अपेंडिक्स में जो हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है. और इवन यंग एज में बिफोर 20 18 15 16 ये सारे बच्चों में जो है वो अपेंडिसाइटिस बहुत ज्यादा कॉमन होता है. उसके लिए हम ओरल कंट्रास्ट रूल यूज करते हैं. कोई फिस्टुला है, ठीक है, आपके बॉडी में कहीं भी जो एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया हुआ है, उसको देखने के लिए, रूट आउट करने के लिए कि फिस्टुला कहाँ बना हुआ है, ठीक है. उसके बाद फिर हम उस फिस्टुला को रिमूव कर देते हैं वहां से, जिसको हम फिस्टुलेक्टमी कहते हैं, ठीक है. उसको देखने के लिए कंट्रास्ट यूज कर सकते हैं. लीकेज ऑफ कंट्रास्ट एनास्मोसिस गैस्ट्रिक बाईपास, ठीक है जी. अगर आपको लगता है कि गैस्ट्रिक पेशेंट का जो रीजन है वहां पर कोई एबनॉर्मल किस्म का कोई एनास्मोसिस बन चुका है वेसल्स का या किसी और भी रीजन वेसल्स का, तो उसके लिए हम ओरल कंट्रास्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, अगर बॉडी में कहीं किसी किस्म की कोई परफोरेशन है, ठीक है, या कोई एबनॉर्मल लीकेज है, तो उसको भी देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ओरल कंट्रास्ट यूज करें, ठीक है. लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ओरल कंट्रास्ट यूज करते हैं, हम सीटी एब्डोमिन में अगेन आईवी कंट्रास्ट जो है वो भी यूज कर सकते हैं. नॉट यूज इन हाई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है. अगर कोई बहुत ज्यादा आपको लगता है कि इंटेस्टाइन किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा मैलिग्नेंट हो चुकी है या बहुत ज्यादा स्प्रेड कर चुकी है, तो फिर उस केस में जो है वो हम सीटी एब्डोमिन नहीं करवाएंगे, ठीक है. उसके लिए फिर यही है कि वो पेशेंट के सिम्टम्स में भी हमें डायग्नोज हो जाता है, ठीक है, और वो हमें अल्ट्रासाउंड में भी जो है वो क्लियर मिल जाता है. देन यूट्रिक पॉलिक, ठीक है, अगेन यही है कि जो पॉलिक अगर पेशेंट को हुआ हुआ है और वो भी बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि मैलिग्नेंट लेवल पे जा रहा है, तो उसके लिए भी हम फिर जो है वो सीटी एब्डोमिन वहां नहीं करवाएंगे. इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है अगर पेशेंट को, ठीक है, डेफिनेटली अगर ब्लीडिंग ऑलरेडी हो रही है आपका, क्योंकि इन सब कंडीशन से बच्चों, देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया कि हम मैलिग्नेंट जो पेशेंट पैथोलॉजीज है वहां पे हम सीटी एब्डोमिन करेंगे, ठीक है. लेकिन अगर हमें इस तरह की कंडीशन मिल रही है जिसमें हमें लगता है कि हमें जो है वो क्लियर कट हो चुका हुआ है कि पेशेंट जो है वो इस कंडीशन के साथ है, ठीक है, या हमें अल्ट्रासाउंड में ही क्लियर कर दिया हुआ है कि वो इस लेवल पे पैथोलॉजी जा चुकी हुई है, ठीक है, क्योंकि यूजली जो फर्स्ट सेकेंड स्टेज होता है वो आप डायग्नोज जरा मुश्किल करते हैं, ठीक है. अगर वो कैंसर है वो ग्रेड 4 पे चला गया तो वो ऑटोमेटिकली आप जो है वो आपको एक नॉर्मल स्कैन के ऊपर भी नजर आ सकता है, ठीक है. तो अगर हमें पता चल गया है कि ये कोई ग्रेड 4 का कैंसर है या मेटास्टेसिस वहां पे हुआ हुआ है, तो फिर हम क्या करते हैं कि ज्यादातर कि हम जो है वो मजीद रूल आउट करने में उसको टाइम लगाए, हम जो है वो एट दी सेम टाइम जो है वो किसकी तरफ जाते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं, ठीक है. तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें हम बजाय इसके कि सीटी एब्डोमिन करके उसको मजीद रूल आउट करें, हम जो है वो क्या करते हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ. ओके, विंडो सेटिंग, सॉफ्ट टिश्यू विंडो, लंग विंडो एंड बोन विंडो, स्कैन्स एट द लंग बेसिस, बोन विंडो लिजन इन द सुपाइन आर पेल्विस. ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने सिटी ब्रेन में पढ़ा था कि मैंने आपको बताया था कि बोन विंडो भी होती है और ब्रेन विंडो भी होती है, ठीक है. उसके अलावा अगर हमने एक सब ड्यूरल भी देखा था कि अगर हेमरेजेस है, हेमाटोमास है, तो उसके लिए भी अगर हमें एक विंडो वहाँ पे प्रेजेंट होती है. इसी तरह से अगर आपने एब्डोमिन आप सीटी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसमें लंग टिश्यूज को देखना है, ठीक है, तो आप अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक विंडो होती है, आप उसको ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं और लंग विंडो पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको लंग्स जो है वो वहां पे नजर आना शुरू हो जाते हैं. इसी तरह से अगर हमने कोई भी पेल्विक बोन्स या हमने सुपाइन को देखना है, ठीक है, क्योंकि आप देखें एब्डोमिन सीटी जब हम करेंगे तो हमारे पास लोअर थोरैसिक और जो इवन लोअर लंबर तक, ठीक है, लोअर थोरैसिक से लेके कंप्लीट लंबर आपको जो है वो ऑलमोस्ट नजर आ रहा होगा किसमें, सीटी एब्डोमिन के, ठीक है. तो अगर वहां पे अगर हमें देखना है कि इन एरियाज की कोई बोन्स में कोलिजन है या कोई चेंज है, इलीक बोन में कोई चेंज आ गया है, ठीक है, तो वो सारा हम इसमें देख सकते हैं, फिर बोन विंडो को क्लिक करके उसके अंदर हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है. जब हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि बोन विंडो जो हम यूज कर रहे हैं उसमें सीटी एब्डोमिन में जो बोन विंडो यूज कर रहे हैं उसमें हमें कौन कौन सी बोन्स नजर आती है. इसके अलावा अगर आपने कोई रिब का फ्रैक्चर देखना है, ठीक है,
गरिब्स आपके चेस्ट में पड़ी हुई है, अगर रिप्स का फ्रैक्चर देखना है तो भी हम बोन विंडो पे क्लिक करेंगे और हमें रिप का फ्रैक्चर जो है वो इजीली नजर आ जाएगा। ओके अच्छा अब बच्चों जैसे हमने हर एक में जो है वो फील्ड ऑफ विजन जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अपर लिम लोअर लिम में भी जो है वो फील्ड ऑफ विजन किया था, फिर इस तरह से हमने ब्रेन सिटी में मैंने आपको बताया था कि अब जो है वो सुपीरियर टू इंफीरियर या इंफीरियर टू सुपीरियर आपने जाना है और हमने फिर स्लाइस की थिकनेस ले ली थी और हमने उन स्लाइसिस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्लाइसिस को स्टडी किया था। इसी तरह से जब हमने जो है वो लेना है सीटी एब्डोमिन तो हमने एक स्पेसिफाइड एरिया जो है वो हम देख लेते हैं कि कितना है लिमिट स्कैन टू इंटेंडेड एनाटॉमिक एरिया पर डोज बाय 10% जस्ट अबव डायफ्राम इंफीरियर पेल्विक सिम्फिसिस चेस्ट रूटीन एपेक्स टू एड्रेनल्स पी और बेनाइन क्लिनिकल रीजन एपेक्स टू लंग बेसिस। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा आसान करके अगर आपको समझाऊं तो इस पिक्चर से समझाती हूं। देखिए ये जो है हमारे के लंग के एपिसिस एपिसिस ऑफ द लंग, ठीक है आपको पता है कि हमारे एपेक्स ऑफ द लंग कहां पे लोकेटेड होती है, आपके जो है एरिया क्लेविकल, ठीक है अंडर द क्लेविकल लोकेटेड है, तो वहां से हम इसको लेना शुरू करेंगे, अंडर द क्लेविकल से स्टार्ट करेंगे एपेक्स ऑफ द लंग से और कहां तक हम ऑलमोस्ट आएंगे जो हमारी ईलीक बोन है ईलीक क्रेस्ट होती है वहां तक हम आएंगे। ठीक है तो यहां से यहां तक हम हमारे पास जितने भी एरियाज हैं उसको हम इन्वॉल्व करेंगे और उसमें हम फिर डिफरेंट स्लाइसेस के अंदर देखेंगे कि हमें कौन कौन से ऑर्गन्स और क्या क्या वेसल्स और क्या क्या जो है वो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है और ये क्रॉस का ये मतलब है कि हमने जो पेल्विक रीजन है यानी जो हिप जॉइंट है जो कि आपका सैक्रम रीजन है यहाँ तक हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है फिर उसके लिए अगर आपने ये वाला रीजन देखना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो हिप जॉइंट वाला एरिया है जो पेल्विस का है उसका सीटी स्कैन करेंगे जैसे हमने लोअर लिम में पढ़ा था। ठीक है बच्चों तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। अच्छा जी बच्चों अब जो है वो अगेन ये देखें इस तरह से हमारे पास एक जो है वो साथ साथ इमेज होगा और आप इसे जो है वो रेफर इमेज से जो है वो देख के साइज के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। ओके सो नंबर वन साइज हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा जी अब आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले ये लिवर नजर आ रहा है। ठीक है ये बच्चों कौन सा सेक्शन जो है वो सेक्शन है, एक्सियल सेक्शन है हमारे पास। ठीक है अब रेफर्ड इमेज जो है वो आपको दिया भी जा सकता है जैसे पहले किसी स्टूडेंट ने पूछा था और आपको नहीं भी दिया जा सकता। ठीक है इसलिए आप लोग जब तैयारी करें तो साथ रेफर्ड इमेज जो है उसको जरूर रख के देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके सो इस लेवल पे अभी हमने जब शुरू किया तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या नजर आया, नीचे पड़ा हुआ लिवर मिला। ठीक है जी उसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वो अच्छा बच्चों यहाँ पे स्केल अगेन वही वाला यूज हो रहा होगा। ठीक है जो कि हमने ग्रे स्केल पढ़ा है बिकॉज सीटी में वही बात है कि एक्सरेज है। ठीक है तो आपको सॉफ्ट टिश्यू जो है वो ग्रे कलर के ही नजर आ रहे होंगे, बोन्स व्हाइट कलर के ही नजर आ रही होंगी और अगर कोई टियर होगा तो वो आपको वहाँ पे ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा। ठीक है तो ये हो गया हमारे पास लिवर। ठीक है जी और उसके अलावा ये लिवर में जो आपको ज्यादा नजर आ रही है ये है हमारे पास हेपेटिक वेन्स। ठीक है उसके अलावा ये जो आपको व्हाइट वेन नजर आ रही है साइड पे ये हमारे पास क्या है, रिब्स है। ठीक है ये हमारे पास रिब्स है। ठीक है ये अगर आपको पता चल रहा हो तो ये हमारे पास क्या है, कौन सा बच्चा बताएगा ये क्या है, ये वाला लंबर वर्टिब्रा। नहीं नहीं बेटा पेल्विक है, थोरैसिक वर्टिब्रा। थोड़ा सा फिर से बताएं कौन से कौन से स्टूडेंट ने बताया, फिर से बोलो। एम थोरैसिक वर्टिब्रल बॉडी। वेरी गुड शाबाश। ठीक है देखिए ये वर्टिब्रल बॉडी बट यहां से देखते जाते हैं यहां पे क्या ये वर्टिब्रल बॉडी बीच में आई है ना तो ये वर्टिब्रल बॉडी है। ठीक है अच्छा उसके अलावा ये आपको जो नजर आ रहा है नीचे से अभी ये डायफ्राम है जो कि यहां पे हमें क्लियर नहीं है। ठीक है और ये आपके पास स्पीन पड़ी हुई है तो मेजर मेजर हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा हमें डिटेल मिल जाते हैं। लिवर एक तो आपको नजर आ रहा है, स्पीन आपको नजर आ रही है, ठीक है डायफ्राम आपको मिल रहा है और यहाँ पे आपको एसोफेगस मिल रहा है क्योंकि अभी हम इस लेवल पे हैं। ठीक है नेक्स्ट जब हम आते हैं नीचे देखिए थोड़ा सा हम नीचे आ गए साइज ऊंचे साइज आई तो अगेन आपको लिवर भी मिल रहा है। ठीक है लिवर तो अभी पड़ा हुआ है उधर ही, उसके अंदर जो उसकी पोर्टल वेन है वो आपको मिलेगी। ठीक है अच्छा जी लिवर मिल रहा था। ठीक है उसके अलावा पोर्टल वेन मिल रही है, उसके अलावा बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है स्टमक नजर आना शुरू हो गया और अच्छे से। ठीक है थोड़ा सा आप नीचे भी है तो आपको स्टमक क्लियरली नजर आना शुरू हो गया है।
ठीक है, और उसके अलावा राइट एंड लेफ्ट किडनी अर्धगुरात। मैम स्टमक वाइट क्यों नजर आता है? स्टमक वाइट ही नजर आता है ये आपको यहाँ पे, अच्छा ये वैसे नजर आ भी सकता है बिकॉज इसमें फूड है, ठीक है, लिक्विड भी है फूड भी है, दोनों पार्टिकल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इस वजह से आपको जो है वो स्टमक ग्रे और व्हाइट दोनों का जो है वो एक इमेज देखा, ठीक है। अच्छा उसके अलावा बच्चों एड्रिनल ग्लैंड है जो कि अगर आप नहीं भी डायग्नोज कर पा सकते तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपको लिवर स्लीन ठीक है स्टमक और जो हमारे पास ऊपर जब डायफ्राम के लेवल के थे जो डायफ्राम नजर आ रहा था उसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास ये राइट किडनी भी नजर आना शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा सा नीचे साइज में जा रहे हैं। ओके देन मजीद नीचे आ गए तो अब हमारे पास क्या नजर आ गया, लिवर वही है, स्टमक भी हमें मिल रहा है, ठीक है, पोर्टल वेन भी हमें मिल रही थी वो भी उधर ही है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ठीक है ये हमारे पास जरा हो गई क्या प्रोमिनेंट हो गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको इस तरह से साइज दिखाकर जब शुरू किया जाएगा तो आई थिंक आप बड़ा इजीली जो है उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये आपके पास अंडर द लिवर जो है वो राइट किडनी बड़ी हुई होती है, ऑपोजिट साइड पे स्क्रीन के पास हमारे पास लेफ्ट किडनी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है जहाँ पे हमें राइट एंड लेफ्ट किडनी मिल रही है क्योंकि हम थोड़ा सा नीचे लेवल पे आते हैं हार्ट के लेवल पे, तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है साथ टोटा भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो लिवर स्पीन हो गया, स्टमक था, राइट लेफ्ट किडनी, और हम राइट एंड लेफ्ट किडनी जिस लेवल पे मिल रही है वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है एओर्टा भी नजर आ रहा है। सीली कार्ड की अगर आपने याद रखना है तो रखने, अगर नहीं भी रखना तो इट्स ओके, ठीक है। इंटीरियर मैंने कहवा या सीलिक आर्ट्री अगर आपने याद रखनी है कि टोटा अगर हमें नजर आती है तो उसके लेवल पे और हमें क्या नजर आ सकता है, ठीक है। तो सीलिक आर्ट्री नजर आती है और इंफीरियर वेना क्या नजर आती है, सीलिक आर्ट्री किसको सप्लाई कर रही है, कौन सा बच्चा बताएगा? सीलिक आर्ट्री बेटा कौन से किसी और को सप्लाई कर रही है, किसको सप्लाई कर रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन। Anyone? Ma'am, large intestine. बेटा ये आपका टेक होम टास्क है, अब आप ये पढ़ के आएंगे कि सीलिक आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है। आप लोग एब्डोमिन पढ़ते हैं ना, एनाटॉमी के लिए नहीं पढ़ते हैं? आप लोग एब्डोमिनल रीजन पढ़ते हैं बच्चों एनाटॉमी में? मैम हमने एनाटॉमी 1 में पढ़ा था लेकिन शायद रिवीजन नहीं की ना इसलिए थोड़ा भूल गए। एब्डोमिनल कैविटी को अब आप लोग पढ़ के आएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक रीजन को नहीं है, काफी सारे रीजंस को सप्लाई कर रही होती है, ऑर्गन को सप्लाई कर रही होती है आपके एब्डोमिन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ के आने की सीलिक आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम ऊपर के लेवल पे थे, हमें कम सिर्फ लिवर स्पीन नजर आ रहा था और साथ में एसोफेगस मिल रहा था, ठीक है। फिर हम जब नेक्स्ट लेवल पे गए तो हमारे पास जो है वो हमें स्टमक भी जो है विजुलाइज होना शुरू हो गया और राइट किडनी नजर आ गई। फिर जब हम मजीद थोड़ा सा नीचे लेवल पे गए तो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट किडनी दोनों मिल गई और जहां हमें राइट एंड लेफ्ट किडनी नजर आ रही है एट द सेम लेवल हमें एओर्टा मिल रही है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से याद रखना है कि जिस लेवल पे एओर्टा होगी उस लेवल पे आपको इंफीरियर वेना कैवा और सीलिक आर्टरी भी साथ साथ नजर आ रही है। उससे फिर हम नीचे साइज में जाते हैं तो आपको क्या नजर आएगा बच्चों, पेंक्रियास, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अगेन अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी नहीं भी याद रखी है वैसे हमारे स्टमक को सप्लाई कर रही होती है तो इट्स ओके, ठीक है। स्पीनिक वेन भी अगर आप या पोर्टल वेन अगर आपको मजीद सेक्शंस पे नजर नहीं आती तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप यहाँ पे अगर स्टमक था, ये लिवर था, ये राइट और लेफ्ट किडनी की स्पीन थी, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर यहाँ पे ऑर्गन आपको नजर आना चाहिए वो क्या है, पेंक्रियाज है, ठीक है बच्चों। पेंक्रियाज का तो आपको आइडिया होगा कि उसकी शेप जो है वो किस तरह की होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ रहे थे ब्रेन सीटी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपने सेरिबेलम जैसे जिस शेप का होता है उस शेप से भी आप याद रख सकते हैं कि अगर आपको स्कैन में उस तरह शेप नजर आ रहा है तो आप उसको इजीली वहां से जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ये पेंक्रियाज आपको बताया कि किस तरह की हमारे पास, ठीक है, इनकी शेप इस तरह की होती है, ये ग्रेप लाइक शेप होती है इनकी, ठीक है, कॉर्न लाइक शेप होती है इनकी। तो इसी तरह से जब आप स्कैन के ऊपर देखेंगे तो आपको इसी तरह से पेंक्रियास की शेप ये देखें यूं करके नजर आ रही है, ठीक है। तो ये लीफ की तरह की जो इसकी शेप होती है ये आपको इसके ऊपर नजर आएगी, तो आप इसको किसी भी जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं कि ये हमारी क्या है, पेंक्रियास है। ओके देन मजीद जब हम नीचे गए तो हमें क्या नजर आया,
ये आपके पास जो था लिवर ये उधर का उधर ही है। इसके अलावा लिवर के लोब्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है लिगामेंट ऑफ किडनीज, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। गॉल ब्लैडर जो कि हमें हाइपर डेंस नजर आ सकता है, ठीक है, हाइपर डेंस ही नजर आता है ये। और उसके अलावा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को आप पेशेंट की नोट कर दें, पैंक्रियास उधर की तरह ही है, ठीक है। तो इस अगर इमेज में मैं आपको कहूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है, तो वो गेन लिवर, लिगामेंट ऑफ टीज, गॉल ब्लैडर, ठीक है, राइट लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, ठीक है, और उसके अलावा पैंक्रियास, ठीक है, ये आपने एटलीस्ट जो है वो जरूर याद रखना। उसके अलावा जो पीछे पीछे हम देख के आ रहे हैं कि ये रिब्स हैं, ये वर्टिकल बॉडीज हैं, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाती है लेफ्ट रीनल आर्टरी और राइट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल वेन। अच्छा जी, अब ये बच्चों जरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिए ये तो हम पहले से ही ऊपर वाली साइड में डायग्नोज कर चुके हैं कि हम जो थोड़ा सा नीचे आ गए हैं कि ये हमारे पास राइट और लेफ्ट किडनी, ठीक है, तो दैट इज जो ये अंडरस्टैंडेबल हो जाना चाहिए आपके लिए कि जो आपको नजर आ रही है अटैच्ड किडनीज के साथ, ठीक है, वो क्या होगी आपके पास, या तो उसकी आर्टरी होगी या फिर वो उसकी वेन होगी, ठीक है। आर्टरी और वेन में आप अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हो बच्चों, इस स्कैन के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आर्टरी है और एक हमारे पास वेन है, नैरो और वाइड डायमीटर कैसे डायमीटर देखते हो? जी बेटा बताएं कैसे कर सकते हैं, कौन सा स्टूडेंट बताएगा? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें बेटा, मैंने आपसे पूछा है आर्टरी और वेन पे क्या डिफरेंस है, चलिए ये बता सब छोड़ें। मैम आर्टरी क्यों होती है, ट्रांसमिटेड ब्लड लेके जाता है, वेन भी और किडनी लेके जाता है। अच्छा, अब अगर हम स्कैन में देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आर्टरी है या वेन है? मैम जो आर्टरी शो है उसमें ऑक्सीजन और एयर है, इसलिए सॉरी आर्टरी जो है ना वो ब्लैकिश कलर की होगी, हाइपोडेंस होगी। अच्छा, और वेन कैसी होगी? वो हाइपरडेंस। हाइपोडेंस, हाइपरडेंस। आर्टरी आप कह रहे हैं हाइपरडेंस होगी और वेन जो है वो हाइपोडेंस होगी, ये कह रहे हो आप? यस मैम। Anyone else? मैम आर्टरी राइट साइड पे होगी, वेन लेफ्ट साइड पे? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आर्टरी और वेन को आप जो है वो इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ठीक है, ये अगर आपको प्रॉपर, क्योंकि ना ही हाइपर और हाइपोटेंस वाला जो है वो यहाँ पे कोई हमारे पास स्केल है, ठीक है, आप देखें कि सेम जो है वो ग्रेज कलर ही हमारे पास आर्टरी और सेम ही वेन है, ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंस हो सकता है कि जो वेन है वो आपको थोड़ा सा छोटी साइज में नजर आएगी, मतलब उसकी जो गर्थ है, ठीक है, उसका सर्कमफेरेंस है वो थोड़ा छोटा होगा और जो आर्टरी है उसका सर्कमफेरेंस आपके पास थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, इससे आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर परसेप्शन में आपने एनाटॉमी और आपने डाइसेक्शन की हुई है तो फिर आपको पता होगा कि जो है वो किस कहाँ से सप्लाई कर रही है, कहाँ जाकर सप्लाई कर रही है, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवेज आर्टरी जो राइट और लेफ्ट किडनी थी, जब आपके उसके साथ वेसल्स नजर आ रही है तो फिर आप उसको डायग्नोज कर लें कि ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन है, ठीक है। एओर्टा हमने पहले डायग्नोज किया था, वो उधर का उधर ही है, ठीक है, और इंटीरियर वेना कैवा भी जो है वो आपको वहीं पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम चले जाएंगे मजीद थोड़ा सा और स्लाइस को लेके नीचे, ओके। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हमारे पास क्या नजर आ रहा है, असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। स्टमक अब थोड़ा सा ऊपर रह गया है, नीचे आपको हमारे पास मजीद क्या आ गया है, ये देखिए ये आपके पास इंटेस्टाइन्स पड़ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अब आपको नजर आएगा, असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है जी। और उसके अलावा रीनल पैलेस, ठीक है, राइट एंड रीनल पैलेस। अब हमारे पास यहाँ पे आर्टरी और वेन्स नजर नहीं आ रही है, मजीद हम जो नीचे पर सेक्शन में आ गए हैं तो उसमें हमारे पास रीनल पैलेस जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गया, जो कि आपको पता है कि पिरामिड शेप होते हैं, ठीक है। अच्छा, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे बेटा ये हमें ब्लैक क्यों नजर आ रहा है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन, मैम
मैम एम्प्टी है इसलिए, सॉरी मैम खाली है ना इसलिए फूड नहीं है इसमें। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? मैम एयर का फर्क होगा। आप कह रहे हैं एयर है इसके अंदर, इसमें लिक्विड है शायद, इसलिए फ्लूइड हो सकता है। देखिए बेटा हमारे यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या होता है, गैसियस मटेरियल होता है, लिक्विफिकेशन हो रही होती है आपके सारे यहाँ पे, ठीक है। और अभी हमने पेशेंट को क्या रखा था, वैसे ही हमने पेशेंट को फास्टिंग में रखा हुआ था, ठीक है। तो अगर कोई और यहाँ पे कॉन्टेंट होता तो हमें फूड पार्टिकल नजर आ रहा होता, लेकिन हमने रखा ही इसको फास्टिंग में इसलिए था ताकि हमें ये क्लियरली नजर आ जाए कि यहाँ पे कोई अगर मैस बना हुआ तो वो हमें नजर आए, ठीक है। तो इस वजह से ये आपको कैसे नजर आ रही है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन ब्लैक कलर की नजर आएगी, ठीक है। ब्लैक कलर कह सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा डार्क कलर हम यूजली जो है वर्ड जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और जस्ट नीचे लेवल पे चले गए तो हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन जो है वो नजर आ रही है, आपको पता है कि लार्जेस्ट होती है, ठीक है। और उसके अलावा एओर्टा उसी लेवल पे है और इंटीरियर वेना कैवा भी आपको यहाँ तक जो है वो मिल गई है, ओके। देन जो है वो अब आप थोड़ा सा और नीचे लेवल पे हम जब साइज पे लेके जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने शुरू किया था, ठीक है, जहाँ पे हमें लिवर स्पीन इसोफेगस मिला था, फिर हम थोड़ा सा नीचे आए थे तो हमें एओर्टा मिल गया था, ठीक है, और राइट और लेफ्ट किडनी नजर आ गई थी। फिर हम जब नीचे आए तो हमें राइट लेफ्ट किडनी के साथ साथ रीनल आर्टरीज रीनल वेन्स नजर आ गई थी, ठीक है। उसके अलावा फिर जब हम मजीद नीचे आए थे तो हमें जो है वो राइट एंड लेफ्ट किडनी के बाद फिर हमें क्या नजर आया है जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन नजर आ गई, ठीक है। इस लेवल के ऊपर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन नजर आ गई। फिर हम जब मजीद नीचे आए तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें ट्रांसवर्स कोलोन नजर आई है, ठीक है। और फिर अब हम मजीद जो है वो इसके लेवल पे आ गए हैं, ये ईवी क्रेस्ट वाले लेवल के ऊपर आ गए, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या नजर आएगा, मेन एक तो आपको अम्ब्लैंकस नजर आ रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम इस लेवल पे यहाँ पे आपकी अम्ब्लैंकस होती है, एक आपको अम्ब्लैंकस मिलेगी, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या हमें मिलेगा यहाँ पे, ये इलियक क्रेस्ट या इलियक बोन जो है वो हमें नजर आएगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चों जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है सारे के जो सारे मसल्स हैं हमारे, ठीक है, इंटरनल इंटरनल और अब्डोमिनल ऑब्लिक मसल्स और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स जो होते हैं अब्डोमिन के, ठीक है, वो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, और श्वास में जो मसल, ठीक है जी, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा अटैच्ड हुआ हुआ। और उसके अलावा चले बाकी जो है ये आप इलियक आर्टरीज बेशक आप जो है उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात याद रखना है, खाली डायग्राम सॉरी खाली एक्सरे देंगी तो हमें लेबलिंग खुद करनी होगी एरो के साथ के एरो ऑलरेडी लगी होंगी तो हमें लेबलिंग करनी होगी? नहीं नहीं बेटा मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आपको जब स्पॉटिंग होती है ना तो स्पॉटिंग ऐसी होती है कि मैं आपको ये वाला इमेज दूंगी, ये सारा पार्ट जो है वो गायब हुआ होगा, ठीक है, ये एरोस गायब होंगे, मैं आपको यहाँ तो एरोस देंगे या मैं आपको स्पॉट कर दूंगी कि ये वाला पार्ट बताएं क्या है, यहाँ पे स्पॉट लगा होगा और आपको स्पॉट को बताना होगा। मैम वो ये भी कंफ्यूज कर रहे कि पीछे हमने पढ़ा था कि लंग्स में जो ब्लैक है वो एयर को मींस के हमें आइडेंटिफाई कर जाते हैं, लेकिन इधर हम लोग ट्रांसवर्स कोलॉन को, तो मैम ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसका थोड़ा बता दें। और जैसे मुझे ट्रांसवर्स किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, आपका आवाज कर नहीं आई, दोबारा से पूछे। मैम मैंने ये बोला है कि पीछे हम पढ़ के आए थे कि एक्सरे के ऊपर हमें जो ब्लैक होता है वो एयर हमें फील नजर आती है, लेकिन इधर ट्रांसवर्स कोलॉन आप बता रही हैं, तो मैम इसको हम किस तरीके से करेंगे आइडेंटिफाई, ये थोड़ा समझ नहीं आ रही मैम। हाँ जी देखिए बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास यूजली इस तरह की नजर ना आए, ब्लैक कलर की आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन हमने पेशेंट को क्या किया था, फास्टिंग में लेके गए थे, ठीक है, 5 से 6 घंटे की फास्टिंग हमने की, तो उसका हमने क्या किया है कि जो पूरा आपका स्टार्ट हो रहा है जहां से 10 से लेकर स्टमक तक, ठीक है, उस एरिया को पूरा हमने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया, ठीक है, तो वहां पे अब कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं है, ठीक है, वो हॉलो है, इस वजह से वो आपको ब्लैक नजर आ रही है, ठीक है, ओके मैम, ओके। अगर पेशेंट ने खाना खाया, अक्सर इस तरह होता है, हम पेशेंट से कहेंगे कि जी आप खाना ना खा के आए, आपने फास्टिंग करनी है, पेशेंट खैर से जो है वो उसको कोई भी इश्यू हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन अब 65 ईयर्स अगर कोई पेशेंट है तो वो नहीं रह सकेगा कि भाई 5-6 hours से अगर वो फास्टिंग नहीं कर पा रहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होगा कि वो कुछ ना कुछ खा के आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो हमें क्लियर वहाँ पे नहीं होना होता, ठीक है, इसके ऊपर क्लियरली आपको जो है वो इस तरह से नहीं आएगा। अब क्योंकि हमने पेशेंट को फास्टिंग की, ठीक
ठीक है, उसके बाद फिर हमने कंट्रास्ट को डाला हुआ है तो वो फॉलो हो चुकी है, इस वजह से वो आपको ब्लैक नजर आ रहा है। मैम जैसे एनाटॉमी की स्पॉटिंग आती है वैसे ही आएगी इसकी स्पॉटिंग जी? जैसे एनाटॉमी की स्पॉटिंग आती रही है हमें लेबलिंग करना, वैसे ही इसकी स्पॉटिंग आएगी? जी जी बच्चे बिल्कुल ऐसे ही स्पॉटिंग आएगी। ठीक है, जब ओरल टेस्ट था ना तो मैंने उसमें आपके स्पॉट्स नहीं लगाए थे, मैं वैसे ही आपसे पूछ रही थी कि ये क्या है ये क्या, ठीक है? लेकिन जब आपकी प्रैक्टिकल स्पॉटिंग होगी तो उसमें मैं आपको इस तरह से एक इमेज दिखाऊंगी और इमेज के ऊपर मैंने एक स्पॉट लगाया होगा और मैं आपसे कहूंगी ये आपने स्पॉट्स बताने होंगे कि ये वन, या चलो मैं नंबरिंग कर दूंगी आपको कि नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो आप लिखेंगे जी 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे, ठीक है? इस तरह ओके मैम। जब स्पॉटिंग होगी तो उससे पहले मैं आपको इंशाल्लाह एक इमेज दिखा के तो मैं आपको बता दूंगी कि वो आपको किस तरह से पॉइंट्स जो है वो होंगे, ठीक है? लेकिन अभी आप ये सोर्स मसल है, ये राइट और लेफ्ट किडनी है, लेकिन अब आप एरो देती हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब मसल है कि किडनी है? बेटा ये इसलिए नहीं पता चलेगा कि अब हम कहाँ चले गए, हम ये प्रेस्ट के लेवल पे चले गए। मैम आप रियल इमेज भी देंगी साथ में? बेटा ये वाली मैं आपको ये तो बता रही हूँ, ये रेफर्ड इमेज जो ये वाला होता है ना, ये रेफर्ड इमेज होता है, ठीक है? यस मैम। आपको ये वाला इमेज मैं नहीं दूंगी, ठीक है? हमें कैसे पता चलेगा बेटा? इसी तरह तो पता चलेगा, आप मुझे बताएं कि ये क्रेस्ट के लेवल पे किडनीज कहाँ पे आपको नजर आएंगी, इतने नीचे हम चले गए तो किडनीज तो ऊपर आएंगी ना? यस मैम। ठीक है, तो okay, ये बच्चा देखिए डे वन से मैं आपको यही समझा रही हूँ कि आपने अपने माइंड में पूरा बॉडी का इमेज क्रिएट करें, ठीक है? और उसके बाद फिर आप सोचें कि भाई अब जैसे आप कह रहे हो कि देखो इसी क्रेस्ट लेवल पे किडनीज तो हमारी होती है, किडनीज ऊपर पड़ी हुई है, अब हमने पहले ही यहाँ से इमेज देखकर डायग्नोज कर लिया कि ये तो इली क्रेस्ट बोन है, इसके लेवल पे हमारे पास क्या आ सकता है, ठीक है? इसके लेवल पे हमारे पास कि एब्डोमेन के मसल्स के मेजर वो आ सकता है। अगर आप रैंडम दे देते हैं विदाउट रेफरेंस तो जाहिर है मुश्किल होगी हमारे लिए। बेटा देखिए जब आप सीटी स्कैन देख रहे होते हैं तब भी आपके पास रेफरेंस इमेजेस नहीं होते, कुछ एक जो है वो लैब जो है वो दे रही होती है रेफरेंस इमेज साथ और कुछ जो है वो नहीं दे रही होती है रेफरेंस इमेजेस, ठीक है? आपके पास जब पेशेंट फिल्म लेके आएगा तो उसमें तो रेफरेंस इमेज नहीं होगा ना, फिर आप तब क्या करेंगे मुझे ये बताएं? मैम तब तो हम बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे ना, अभी तो हमारा फर्स्ट टाइम है और वो भी ऑनलाइन। बेटा कैसे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, अभी तो आपने रेडियोलॉजी पढ़नी है फिर आपने आगे भूल जाना है रेडियोलॉजी। बताएं आप लोग पीछे नेट पे पढ़ के आए वो आप लोग भूल गए हैं। मैम पेपर में हाथ इन डायग्राम्स को लेके हाथ हल्का रखिएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम हम, फिर आगे आप देखिए आपने ओरल टेस्ट में मैंने आप लोगों से कुछ भी मुश्किल नहीं पूछा, बच्चों पूछा मुश्किल आप बताइए? यस मैम नहीं पूछा, नहीं नहीं पूछा मैम, मैंने आपसे लेक्चर्स पूछे, मतलब मैंने आपको उस कॉम्प्लिकेशंस वाली स्टेज पर नहीं लेके गई क्योंकि मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, टफ नहीं है बट डिफरेंट होता है ये सब्जेक्ट थोड़ा सा। एनीवेज बच्चों चलो कोई बात नहीं, मैं चलिए कोशिश करूंगी मैं जो है वो रेफरेंस इमेज अगर आपको मुश्किल लग रहा है मैं आपको एक्सरेज में तो नहीं दूंगी कभी भी, ठीक है? इसमें मैं आपको जो है वो दे दूंगी, ठीक है? ब्रेन में या एब्डोमेन में हम जो है रेफरेंस इमेज साथ डाल। ओके मैम, हां यस मैम, ये ठीक है। चीटिंग बस आपको कहीं ना कहीं से मिल जाए तो बस फिर ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा जी ठीक है बच्चों, अब ऊपर तक हो गया, अब हम आ गए थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे, ठीक है? अब देखिए बड़ा क्लियर सा ये आपको नजर आ जाना चाहिए, ठीक है? श्वास मसल अगर आप चले नहीं भी डायग्नोज कर पा रहे हैं तो ये तो हमारी हीलिंग बोन हो गई है, ठीक है? अब हीलिंग बोन के साथ कौन सा मसल लगा होगा? इलियाकस मसल लगा हुआ होगा, ठीक है? यहाँ पे जो ये फ्रंट ऑफ द पेशेंट का एरिया है वहां पे क्या होना चाहिए? रेक्टस एब्डोमिनस जो हमारा मेजर मसल है वो अटैच होना चाहिए, ठीक है? तो इतना इतना पॉइंट्स तो बच्चों अब आपको पता होना चाहिए ना इस लेवल के ऊपर के जो है वो बोनी अटैचमेंट्स के साथ अगर मसल्स कौन से लगे हुए हो, ठीक है? अभी मैंने आपको बहुत ज्यादा वेन्स आर्टरीज और बहुत ज्यादा और स्ट्रक्चर्स में नहीं लगी गई हूँ, लेकिन जो एटलीस्ट बेसिक्स है उनको थोड़ा सा रिवाइज करें ताकि आपके लिए सारा कुछ इजी हो जाए। अच्छा जी ओके बच्चों, अब हम आ गए हैं मजीद थोड़ा सा और नीचे लेवल के ऊपर, ठीक है? तो अब आप देखेंगे ये क्या आपको नजर आ रहा है, ब्लैडर नजर आएगा, ठीक है? अब अगेन वही बात है कि यहाँ पे कोई रिटर्नलाइजेशन किसी और की बात नहीं है, ये क्रेस्ट के लेवल पे हम आ गए हैं, ठीक है? तो हमें अगर कोई इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो आप देखिए एक क्रेस्ट लेवल पे इतना आपको ब्रॉडर अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो क्या हो सकता है, वो ब्लैडर हो सकता है, ठीक है? इस तरह से इसको याद किया कर, ठीक है? उसके अलावा ये इलियोस्वास मसल और पेरिफॉर्मिस मसल आपको नजर आ रहा है।
ओके जी बच्चों, और मजीद जब हम मजीद इसके ये आई थिंक हमारी लास्ट स्लाइड जो है वो स्लाइस होगी, ठीक है, लास्ट स्लाइस के ऊपर हम चलेंगे तो हमें अगेन ब्लैडर सेक्रम बोन नजर आ रही है, ठीक है, प्रोस्टेट नजर आ रहा है और रेक्टम मिल रहा है हमें, और ये हिप जॉइंट है और ये एसिटेबुलम, ठीक है। तो ये हिप जॉइंट और एसिटेबुलम वाला तो आपको मैंने ऑलरेडी याद करवाया हुआ था जब हमने इसका जो है स्लाइस सेक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सीटी एब्डोमेन है जिसमें हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास हिप जॉइंट के लेवल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसिटेबुलम, फेमिनल हेड हो गया, ठीक है, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, रेक्टम, और उसके साथ हमारे पास पीछे ये बोन नजर आ रही है जो कि ये वाली है, दैट इज बेसिकली द सैक्रम, ठीक है। बच्चों आप लोग, मसला ये आ रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, ठीक है, आप लोग ये अगर एक लेक्चर के बाद जाए और जाके इसको पढ़ें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक किसी तरह से, जैसे मैंने आपको फील्ड ऑफ विजन बना के स्लाइसेस से पढ़ने के लिए कहा था, उन्होंने शुरू किया है, किसी बच्चे ने भी इस तरह नहीं पढ़ा ना अभी तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैम पहले तो पढ़ी थी लेकिन अभी क्विजेस चल रहे थे इस वजह से नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा मैम, कल हमारे क्विज खत्म हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैम फिर रेगुलर पढ़ेंगे साथ साथ। मैं ये बता रही हूँ बेटा, देखिए आपको सिर्फ मुश्किल इससे लग रही है क्योंकि आपने इसको उस तरह से पढ़ा नहीं है जिस तरह से मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा हुआ, ठीक है। अगर आप इसको रेफरेंस पे रख के पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बिलीव मी, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा। तो एक दफा ट्राई तो करें आप लोग, ठीक है, परेशान होने से पहले ट्राई करें, अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तब भी मुश्किल हो रहा होगा तो उसको तब हम चीजों को आसान कर देंगे। एनीवेज अच्छा बच्चों, अब ये लिवर एब्सेस है, ठीक है, ये हमने पहले डायग्नोज कर लिया था, ये हमारे पास लिवर था। अगर आपको अब डार्क ग्रे या हेजल सा आपको हमारे पास लिवर नजर आ रहा था, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन है जो कि फ्लूइड की है या किसी भी और चीज की है, तो वो आपको जो इन्फेक्शन नजर आ रही होगी जो कि लोकलाइज्ड होगी, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि हमारे पास लिवर एब्सेस जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक और इमेज ऐड किया हुआ है जो कि बेसिकली है अबाउट द लिवर मेटास्टेसिस, ठीक है। एब्सेस मैंने आपको बताया है कि एक लोकलाइज्ड आपको एक्यूमुलेशन नजर आएगी एक साइड पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, और जो मेटास्टेसिस है वो आपको अगेन बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि कोई भी अंदर जो भी इन्फेक्शन है या जो भी फॉरन पार्टिकल है या कुछ भी है वो क्या हुआ हुआ है, वो स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो लिवर को हमने डायग्नोज कर लिया, यहाँ से रिप से हमने डायग्नोज कर लिया, और फिर हमें पता चल गया क्या कि ये जो है वो क्या है, लिवर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी पार्टिकल जो है वो स्प्रेड हो रहा है या मेटास्टेसिस हो रहा है, तो हमने इसको डायग्नोज कर लिया कि ये क्या है, लिवर मेटास्टेसिस है। अब अगेन बच्चों देखिए, कुछ इमेजेस हमारे पास जो रिब्स तक के लेवल पे दिए जाएंगे उसको तो आप बड़ा इजीली डायग्नोज कर सकते हैं कि आपने इस तरह की बोन्स जो रिब्स आपको नजर आ रही है सीटी स्कैन के ऊपर, ये तो आपने कहीं नहीं देखी ना, और किसी भी और स्लाइस में इस तरह का इमेज नहीं देखा, ठीक है, जहां पर हमें रिब्स और वर्टिब्रा एक साथ मिल रहे हैं। तो आप सबसे पहले स्लाइस देखेंगे तो ये आप रिब्स और वर्टिब्रा की बॉडी से ही पहचान लेंगे ये हमारे पास एब्डोमिनल सीटी है, ठीक है। अगेन मैं आपको वही बात कहूंगी कि जब मैंने आपको एक इमेज दिखाया था एक्सरे का, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसको डायग्नोज करना होता है कि ये रीजन कौन सा है बॉडी का, ठीक है ना, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, एब्डोमिन है, चेस्ट है, कौन सा है। सबसे पहले तो आपने क्या किया, डॉक्टर डायग्नोज कर लिया कि ये रीजन जो है वो एब्डोमिन है, ठीक है। तो वहां से आपका जितने भी पॉइंट है वो आपको मिल गए। सेकेंड फिर आप बताएंगे कि ये है क्या, लिवर है या क्या क्या है, ये उसको डायग्नोज करेंगे वो स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। तो आपने डायग्नोज कर लिया जी ये लिवर है, ठीक है, उसके भी पॉइंट्स बन गए। फिर थर्ड आ जाएगा जो एक्यूरेट डायग्नोसिस है, ठीक है, कि वो जो है वो हमारे पास इसमें कौन सी पैथोलॉजी शो कर रहा है आपको, सीटी या एक्सरे या जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए थर्ड लेवल पे कहीं जाकर हमें उस पैथोलॉजी को डायग्नोज करना है। तो एटलीस्ट आप सबसे पहले ये तो देखें ना कि आपको रीजन डायग्नोज करने आते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओरल टेस्ट में रीजन ही डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जब आप रीजन ही डायग्नोज करेंगे उसके बाद आप जो मर्जी कह दें वो आपका रॉन्ग कंसीडर होता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ये जरा थोड़ा सा आप देख लें कि रीजन में किस तरह से आपने डायग्नोज करना है। ओके बच्चों, सो ये जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है एब्डोमिन का, ठीक है, जो कि हम मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि हमने इस लेवल से जो है था वो स्टार्ट किया था, ठीक है, लिवर के लेवल के ऊपर से स्टार्ट किया था, फिर हम नीचे 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 आते गए। अब आप देखते जाएंगे ईसोफेगस था, फिर स्टमक आ गया, फिर हमारे पास एओर्टा आ गई, फिर हमारे पास किडनीज ऐड हो गई, फिर किडनीज की आर्टरीज आ गई, फिर उसके साथ साथ हम और नीचे आते गए तो हमारे न्यूक्लियस के लेवल पे आ गए। न्यूक्लियस के लेवल पे हमारे पास जो है साथ साथ फिर आपको क्या मिल रहा था, ब्लैडर भी मिल रहा था, ठीक है, सैक्रम बोन हमें मिलना शुरू होगी, और नीचे आ गए तो हमारे पास हिप जॉइंट का लेवल आ गया, ठीक है, और इलिक्रेस के लेवल पे आपको और क्या मिल रहे थे, मसल्स मिल रहे थे, ठीक है। इलिक्रेस के लेवल पे आपको जितने भी रेक्टस एब्डोमिनस है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल्स है हमारे पास, ठीक है,
ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल था वो था। फिर हम मजीद नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सा पड़ा हुआ था, जो हमारे पास ब्लैडर पड़ा हुआ था वो मिला, ठीक है। फिर मजीद नीचे आए तो हमारे पास रेक्टम भी हमें नजर आना शुरू हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ सेक्रम बोनबिल भी हमें और एसएचएबिलम और फेमोरल हेड मिल गया। तो इस तरह से बच्चों ये सारा पढ़ने के बाद आपने अपना एक टेस्ट करना है कि इस लेवल पे क्या था स्लाइस में, इस लेवल पे क्या था स्लाइस में, इस लेवल पे क्या था स्लाइस में, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप इस स्लाइस के ऊपर आए हैं और आपको याद नहीं आ रहा कि क्या था, ठीक है ना, आप कहेंगे जी इस लेवल पे हमारे पास क्या क्या था, या चलिए इंग्लिश प्रेस के लेवल पे कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास ये वाला मसला था, ये मसला था और इसके अलावा क्या था, तो फौरन से आप फिर जाए पीछे और स्लाइड से देखें और आपने अच्छे से याद रखा था। इसी तरह से आप जब रिपीटेटिव इसको रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अगर आपने बच्चों में से एनाटॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग पढ़ी हो तो मेरा ख्याल है उसमें इतना मुश्किल नहीं होता, बट आप लोग भूल जाते हैं एनाटॉमी को तो फिर इसके आगे थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मैम जी जी मैम, अगर एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है तो हमने उसके लीवर का फंक्शन चेक करने के ठीक है कि नहीं, तो हम उसे अल्ट्रासाउंड रेफर करेंगे या सीटी स्कैन एब्डोमेन का? क्या उसके लिए ना ही आप अल्ट्रासाउंड करेंगे ना ही सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है, लीवर के लिए पहले आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। देखिए बेटा अभी भी पेशेंट का फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि लीवर पेशेंट का ठीक, आपने लीवर की बात की है ना, इसमें हेपेटाइटिक पेशेंट है अगर उसका लीवर ठीक है, ठीक है, उसने जाके हेपेटाइटिस ने लीवर को अफेक्ट किया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं पेशेंट का, ठीक है। पहले तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, हमें क्या साइंस एंड सिम्टम मिल रहे हैं, उसकी बेस पे फिर डॉक्टर क्या करते हैं पेशेंट को ब्लड सैंपल्स ब्लड टेस्ट देते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट दिए, ब्लड टेस्ट में फिर हम जो है वो देखेंगे कि जी अच्छा ब्लड टेस्ट हमें डायग्नोज हो गया कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट की स्टेज पर जाएंगे, फिर हम मजीद उसको डायग्नोज करने के लिए कोई भी रेडियोलॉजिकल मॉडलिटी से हेल्प देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम मैं यहाँ आपको कहूँ तो हम अल्ट्रासाउंड से भी हेल्प ले सकते हैं और हम सीटी से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि हम पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे उसके बाद सीटी के ऊपर आएंगे, ठीक है, जैसे हमने प्लेन रेडियोग्राफ किया था और फिर सीटी किया था, ठीक है। इसी तरह से एब्डोमिनल रीजन का कोई भी मसला होगा पेशेंट को तो पहले आप अल्ट्रासाउंड करोगे उसके बाद सीटी के ऊपर आओगे, ठीक है। बट इन दोनों से पहले क्योंकि आपका क्वेश्चन था जहां तक फंक्शन हमने चेक करना, ठीक है, फंक्शन के लिए हम सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं क्योंकि ब्लड में हमें पता चलता है कि भाई जो है वो इस ऑर्गन का ये फंक्शन डिस्टर्ब हुआ हुआ है, ठीक है, या जो स्पेसिफिक टेस्ट बने हुए हैं वो हम टेस्ट कराते हैं, उसके बाद फिर आप जो है वो इसके ऊपर आते हैं। अब आप देखिए बेटा, अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, जो कोविड हमारे पास इस वक्त चल रहा है तो कोविड में डायरेक्ट तो नहीं डॉक्टर कह देते ना जी टेस्ट एक्सरे करवा लें आप, ऐसा हुआ है? No, ma'am. ऐसा नहीं हुआ ना, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं उसके लिए, क्या करते हैं उसके लिए पहले मैम कोविड टेस्ट करते हैं। हाँ जी, वो कौन सा टेस्ट है? ब्लड टेस्ट। हाँ, इसका नाम बताए ना। मैम लीवर का तो ऐसे जीके टेस्ट भी होता है और ऐसा मैम पीसीआर भी टेस्ट करवाते हैं। दो टेस्ट होते हैं CIGR और CRP, ऐसे इस तरह के थे कोई नहीं। हाँ जी, PCR और इसमें फिर एंटीबॉडी टेस्ट भी हम कर रहे होते हैं पेशेंट का, ठीक है। एक तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करा रहे होते हैं बेटा वो ब्लड टेस्ट ही है, इसमें आप नेजल स्वैब से ले रहे होते हैं ना, PCR कराते हैं नेजल स्वैब से हम लेते हैं कोरोना वायरस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, फिर जब वो दोनों जो है वो हमारे पास कंफर्म हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर आपको क्या कहता है कि फिर अब आप मुझे अपना चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। आप जो है वो अगर फर्दर वहां पे हमें नहीं कंफर्म हो रहा होगा तो फिर आप जो है उसके ऊपर हम किसमें जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले नेजल स्वैब से हमने किया, PCR किया, फिर एंटीबॉडी की, फिर एंटीबॉडी से हम चेस्ट एक्सरे किया, चेस्ट एक्सरे पे नहीं क्लियर हो रहा तो फिर हम किसपे जाएंगे, सीटी के ऊपर जाएंगे, बट स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। अब आपने रेडियोलॉजी पढ़ ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने हर पेशेंट को जो है वो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टूल में आपने रेडियोलॉजी बता देनी है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। कंडीशंस वेरी कर रही होती है, आप बोन अगर फर्स्ट जैसे हमने एक्से पढ़ा था फर्स्ट डायग्नोस्टिक टूल है वो किसके लिए, वो बोनी चेंजेस के लिए, ठीक है। एकदम से हम पहले रेडियोलॉजिकल नहीं कह देते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री होती है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर रेडियोलॉजी आती है, फिर डायग्नोसिस बनता है, फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद अब ये हमारे पास एक नॉर्मल चेस्ट सीटी है। अब मैंने लंग्स के लिए बहुत ज्यादा लेवल जरूर नहीं किया क्योंकि आपके लिए जरा हो जाएगा मुश्किल, ठीक है। तो आप सिर्फ ये इस एक ही जो एक्सल सेक्शन है इसको आप याद रखें,
ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम स्टेप करते हैं लंग विंडो, तो आपको इस तरह से ब्लैकिश कलर की लंग्स विंडो, उसमें एयर होती है वो आपको नजर आएंगे, एंड दिस इज बेसिकली द हार्ट। ठीक है, अब ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, स्पीरियम वेना कैवा है, इसको बेशक अगर आप नहीं डायग्नोस कर पा रहे तो इट्स ओके, बट लंग्स आपको इस तरह के नजर आएंगे एक नॉर्मल चेस्ट सीटी। ठीक है जी, अब ये मैंने ऐड किया हुआ है कंप्लीट सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स क्या होता है बच्चों? निमोथोरेक्स क्या होता है? मैम चेस्ट का रीजन होता है। चेस्ट का रीजन होता है? नो मैम, चेस्ट मतलब फर्स्ट रिब से लेके 12th रिब तक जो एरिया होता है उसको थोरैक्स कहते हैं। निमोथोरेक्स, निमोथोरेक्स कंडीशन की बात कर रही हूं। निमोथोरेक्स क्या होता है? निमोथोरेक्स वॉइस लंग होता है। हां जी मैम, कोलैप्स्ड लंग्स होते हैं हमारे पास। लंग क्या रीजन होता है कोलैप्स का? अच्छा बच्चों, रीजन नहीं होता बच्चों, निमोथोरेक्स इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें आपके जो लंग है और जो आपका लंग कैविटी है, ठीक है, उसके दरमियान में यहाँ पे आपके पास क्या हो जाती है? एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, लंग और चेस्ट वॉल के दरमियान में हमारे पास क्या होती है? एयर ट्रैप हो जाती है। ये चेस्ट वॉल है और ये लंग है, यहाँ पे आपको एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो जो हमें लंग्स नजर आ रहे थे इस तरह के ग्रेश या डार्क ग्रेश से कलर के, वो अब आपको उस तरह से नजर यहाँ पे ये लंग्स आ रहे हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये एयर ट्रैप हो गई इसके अंदर, तो इसलिए आपको कम्प्लीटली ब्लैक विजन नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? निमोथोरेक्स क्या होता है कि आपके चेस्ट वॉल और लंग के दरमियान में एयर ट्रैप हो जाएगी। अब ये हमारे पास है लेफ्ट लंग का। ठीक है, अगर राइट होता यानी कि यूनिलैटरल है बेसिकली निमोथोरेक्स, अगर ये बायलैटरल होता तो आपको यहाँ पे भी कहीं एयर नजर आ रही थी। अब डिपेंड करता है कि एयर कहाँ ट्रैप होती है। ठीक है, इधर भी ट्रैप हो सकती है, इस लेवल पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं भी ट्रैप हो सकती है। तो ये आपने कंडीशन जो है वो एक याद रखनी है निमोथोरेक्स की, आपसे अगर पूछा जा सकता है स्पॉटिंग में, ठीक है, कि ये क्या कंडीशन है, तो आप बताएंगे कि ये एयर ट्रैप होती है एंड दिस इज बेसिकली द निमोथोरेक्स। ठीक है, और अगेन राइट लंग है या लेफ्ट लंग है ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा, अब मैंने आपको भी शुरू में बताया था कि जो है हम उसके ऊपर हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ये सर्जिकल सेक्शन है। ठीक है, आपके पास एब्डोमिन सीटी का और जो बोनी चेंजेस मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि बोन विंडो हम देख रहे होते हैं, बोन विंडो में अगर हम देखते हैं। ठीक है, तो बोन विंडो का ये मकसद होता है बेसिकली, ये आप देखें कि ये जो आप ये कौन सी बोन है बच्चों, जल्दी से बताएं। स्टर्नम। यस, ये मैक्रोस्पाइनल जॉइंट बना हुआ है। ठीक है, ये स्टर्नम बोन है। तो अक्सर ट्रॉमा के पेशेंट में, एक्सीडेंट केसेस में क्या होता है कि इसका फ्रैक्चर हो सकता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर वो फ्रैक्चर होगा इसका कोई, तो क्या होगा कि आपको एक्सरे पे क्लियर वो नहीं अगर नजर आ रहा तो आप उसको सीटी के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई वर्टिब्रल बॉडी का फ्रैक्चर है, ठीक है, या कोई डिसलोकेशन है या कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर है, ठीक है, या कोई भी और पैथोलॉजी है, तो उसको भी आपने फर्दर रूल आउट करने के लिए चेस्ट सीटी के ऊपर आप इस तरह से सर्जिकल सेक्शन में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसकी लेबलिंग तो बहुत आसान है कि अगर मैं आपको ये करके स्पॉट करके पूछूंगी ये कौन सी बोन है, ठीक है, या इस सर्जिकल सेक्शन का क्या पर्पस है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। ओके मैम। अच्छा, उसके अलावा बच्चों प्लूरल फ्यूजन ही मैंने ऐड कर दिया था। क्या होता है प्लूरल फ्यूजन, क्या होता है बना? जब एयर ट्रैप हो जाती है, ठीक है, चेस्ट टिश्यू और चेस्ट वॉल के दरमियान में, लंग टिश्यू और चेस्ट वॉल में, तो वो क्या होता है? निमोथोरेक्स होता है। ठीक है, और अगर कोई फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाए तो वो हमारे पास प्लूरल डिफ्यूजन होता है। ये आप लोगों ने वैसे पढ़ा नहीं, मेडिसिन तो भी आपने नहीं पढ़ी होगी, आई थिंक मेडिसिन पढ़ी हुई आप लोगों ने? नो मैम, अभी तक नहीं पढ़ी। नो मैम, अभी नहीं पढ़ी। 6th सेमेस्टर है ना आपका, इसलिए। एनीवेज बच्चों, अगर फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाए, ठीक है, तो वो आपको उसको हम प्लूरल डिफ्यूजन कहते हैं। और वो आपको ये देखिए, ये अब हमारे पास लंग्स थे और अगर कोई फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया तो वो आपको इस तरह से डार्क सा ग्रे कलर जो है वो शो करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये हमें क्यों डार्क ग्रे कलर नजर आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ। देखें, जब वैसे नॉर्मल जो लंग टिश्यू है वो उसकी एक स्पेसिफिक डेंसिटी है, ठीक है, और वो जितनी एक्सरेज एब्जॉर्ब कर रहा है वो आपको इस तरह से ग्रे कलर नजर आ रहा है।
लेकिन जब वहां पे कोई फ्लूइड चला जाता है तो वो क्या करता है कि वो लंग टिश्यू की डेंसिटी को चेंज कर देता है, ठीक है। जब लंग टिश्यू की डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो एक्सरेज एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस टिश्यू के अंदर वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। मैंने काफी बच्चों से एक्सरे अटेन्युएशन पूछा था ओरल टेस्ट में, तो आप लोगों को आइडिया नहीं हो रहा था कि एक्सरे अटेन्युएशन क्या होती है। तो एक्सरे अटेन्युएशन बच्चों यही होती है कि मैंने आपको बताया था कि हर टिश्यू अपनी कॉम्पोजिशन अपनी डेंसिटी के मुताबिक एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है और उनको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से लंग टिश्यू के अंदर कोई अगर जो भी आके एयर ट्रैप हो रही है, फ्लूइड ट्रैप हो रहा है, वो जाके लंग टिश्यू की डेंसिटी को डिफरेंट कर रहा है, ठीक है। उस डेंसिटी के डिफरेंट होने की वजह से जो एक्सरेज की एब्जॉर्प्शन है वो भी डिफरेंट हो रही है और आपको कलर जो है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस प्लूरल डिफ्यूजन की और जो हमारे पास है प्लूरल डिफ्यूजन और न्यूमोथोरिक्स, ठीक है। ये अब आपने दोनों कंडीशन जो है वो याद रखनी है, अगर सिनेरियो बेस्ड एग्जाम हो तो उसमें ये आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लूरल डिफ्यूजन। आपने इसमें अभी रेफर्ड इमेज के साथ सारा याद करें, ठीक है। चेस्ट और एब्डोमेन सीटी को, ठीक है, चेस्ट में तो वैसे मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था, बट जो एब्डोमेन सीटी है, ठीक है, उसमें मेजर मेजर जो है लंग है, स्प्लीन है, लिवर है, ठीक है, एओर्टा है, इंफीरियर वेना कैवा है, वेन्स है, राइट एंड लेफ्ट किडनी है, ठीक है। ये सारे आपको एटलीस्ट जो है वो एब्डोमेन सीटी के ऊपर इनको जो है वो स्पॉट करना या लेबल करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके मैम, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम मुझे बात करनी थी, मैम लाइट के इशू की वजह से मेरी कुछ क्लासेस मिस हुई हैं, तो अटेंडेंस में कोई इशू तो नहीं होगा? बेटा डेफिनेटली अटेंडेंस तो आपकी मार्क होती है ना। यस मैम, मैम मेरी पिछली दो क्लासेस मिस हुई हैं। बेटा अटेंडेंस तो शॉर्ट होगी। अच्छा आप सब बच्चों ने देखी है मैंने जो आपकी असाइनमेंट अपडेट की हुई है असाइनमेंट के लिए, क्लियर है या किसी बच्चे को उसमें कंफ्यूजन है? असाइनमेंट से रिलेटेड किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा है? लास्ट डेट कब है असाइनमेंट की? जी मैंने वहां पे मेंशन की है, आई थिंक इट्स 11th जून। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, बिकॉज़ प्रिंट्स आर ब्लैक, ब्लैक इज नॉट विजिबल ऑन ब्लैक। अच्छा आप रेड पेन यूज करना चाह रहे हैं बच्चों, आपने उसके ऊपर नहीं लिखना, आपने लेबल करके जैसे मैं आपको इमेज दिखाती हूँ ब्लैक इमेज के ऊपर एक एरो हेड होता है और एरो हेड के ऊपर मैंने लिखा होता है कि ये क्या है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से एरो हेड बना के उसके ऊपर लिखना है कि वो क्या है, ठीक है, एरो हेड के सामने क्या है। तो चलिए आप रेड पेन भी यूज कर सकते हैं, कोई डिफरेंट भी पेन यूज कर रहे हैं, लेकिन पेन से करें, पेंसिल से कुछ बच्चे जो है ना वो लेबलिंग कर लेते हैं, असाइनमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। मैम मैंने ना लेबलिंग ऐसे किया है, बोन्स पे ना लिख दिया है 1 2 3 और फिर नीचे व्हाइट स्पेस में लिखा कि 1 वाली स्पॉट ये है, जगह है और ये ऐसे, क्योंकि वैसे उस पे नजर नहीं आ रहा था एरो से। बेटा इस तरह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतनी सारी असाइनमेंट्स मैंने चेक करनी है, आप कोशिश करें कि उसके ऊपर ही लेबल करें, जैसे मैं आपको इमेज के ऊपर एरो हेड्स बना के लिखती हूँ ना, इसी तरह से आप लोगों ने भी लिखे कर भेजना। मैंने ऊपर नहीं लिखा, मैंने साइड पे लिखे हैं, बस बोन पे पॉइंट बनाया है, ए पॉइंट बी पॉइंट सी, और नीचे लिखा हुआ कि ए वाली ये बोन है, बी वाली है। चलो ठीक है, ओके फाइन। अच्छा बच्चे अब आप मुझे आप में से ये बताएं कि कितने बच्चों ने वैक्सीनेशन करवा ली है, हैंड रेज करें। मैम करवा ली है कि करवानी है? करवा ली है, दे हैव डन, करवा ली है मैडम। मैम आज जाना है करवाने, लगा रहे तो इधर जाएंगे लगवाने। अच्छा बच्चों मुझे ये बताएं कि अगर हम इसको ऑनलाइन रखें तो आपको मुश्किल होगी? नो मैम, ऑनलाइन सही है, कुछ क्लासेस के मैम हाइब्रिड होगा तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि बेटा देखिए हमने भी लास्ट सेमेस्टर हाइब्रिड पढ़ाया है, हाइब्रिड में आप भी मतलब एक ना आप जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं समझ आती, जो ऑनलाइन है उनको समझ नहीं आती, और आप देखिए रेडियोलॉजी जितना अभी आप लोग पढ़ चुके हैं आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है कि इसमें जो है वो हम 30 मिनट के अंदर पूरा लेक्चर कम्प्लीट कर ले और हमें सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है ना। आप देखिए हमेशा हमारी क्लास का टाइम ओवर है और आपको टफ लग भी रहा है ये पढ़ने में, आई थिंक कि अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो मेरा तो ख्याल है कि इसको हम कंप्लीट आप सब लोग ऑनलाइन पे ही रखें ताकि आप लोगों को भी क्लियर अच्छे से समझ आ जाए, मैं भी उसको अच्छे से डिलीवर कर सकूँ, अदरवाइज फिर क्लास में स्टूडेंट्स भी नहीं क्लियर होंगे और आप भी क्लियर नहीं होंगे,
तो मुझे जरा ये बताया हैंड नीचे कर लें जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन वाले, और आप हैंड रेज करके बताएं कि वो वाले बच्चे जो कि हाइब्रिड के फेवर में हैं, हाइब्रिड के फेवर में कौन सा बच्चा है वो हैंड रेज करें। कौन सी फिजिकल कर दें बेशक यूनिवर्सिटी में ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो ज्यादा अच्छा फेस टू फेस ज्यादा सही होता है। अच्छा चलिए एनीवेज आप सबका एक अपना मूव है बिकॉज हाइब्रिड में मेरे ख्याल से तो बड़ी डिस्टॉर्शन होती है और स्टूडेंट्स को इतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर आप क्लास में भी होंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इमेजेस तो है लेकिन मैं आपको शो करूंगी, वहां पे भी मैंने आपको स्लाइड्स के ऊपर ही जो है वो ये दिखाना होगा सारा कुछ। बट एनीवेज आप सब लोग अपनी वैक्सीनेशन करवा लें ठीक है, बिकॉज अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो फिर आप ऑन कैंपस नहीं आ सकेंगे, और ये लीवर नॉर्मली जो भी पॉलिसी है दैट इज क्वाइट टफ, तो मैं आपको फिर मेल कर दूंगी ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि अगर जो भी इवन स्टूडेंट्स ने आना है और स्टूडेंट्स ने आना है जो भी मेल आएगी आपने देखा होगा, तो जो भी डिवीजन होगी फिर मैं आपको मेल कर दूंगी तो उसको फिर आपको फॉलो कर दीजिए। मैम तो फिर जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती है मैसेज तो कर दिया हुआ है बट उनका आया हुआ है कि आपको जल्दी बता देंगे बट अभी कोर्ट नहीं आया, तो इन केस के अगर हम मेरा तो इवन है तो अगर मेरा इवन में होगा तो फिर मैं ऑनलाइन ही लूंगी अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो। जी जी बेटा देखिए वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी ठीक है, विदाउट वैक्सीनेशन यू आर अनएबल टू कम ऑन द कैंपस ठीक है ना, वैक्सीनेशन तो मैंडेटरी है। मैम फर्स्ट डोज के बाद भी आ सकते हैं? मैम ऐसे करें ना जैसे जिन बच्चों ने मैम आना हो तो वो आ जाए, बाकी ऑनलाइन ले लें यहाँ पे क्लासेस जैसे लास्ट सेमेस्टर में हुआ था। बच्चा वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि अगर हम एक यूनिटी या कोलैबोरेशन के साथ चले कि या तो हम ऑनलाइन रख लें या फिर हम उसको जो है वो मतलब आप लोग मैम यस मैम ऑनलाइन समझ आ रहा है यस मैम ऐसे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन चाह रहे हैं तो आप हमारा टाइम इतना वेस्ट हो जाता है क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन को भी डील करना होता है साथ साथ, तो वहां पे फिजिकल बैठे होते हैं बच्चे वहां पे भी डील करना पड़ता है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है। हां जी बच्चे मैं तो बिल्कुल आपके ही उसमें कह रही हूं क्योंकि फिर इस तरह होता है ना कि एक आपकी क्लास ऑन कैंपस होती है एक आपकी ऑनलाइन होती है फिर आपको थोड़ा सा वो काफी स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम इश्यूज आ रहे थे इस तरह के ना कि कोई ऑनलाइन आदि क्लासेस हो रही आदि ऑन कैंपस हो रही आदि क्या हो रहा है तो वो आप ही घूमे रहते हैं फिर ठीक है, तो वो समझ कम आती है और वो और ऑनलाइन और कैंपस में आप ज्यादा घूमते रहते हैं। सो एनीवेज फिर हम जो है मैम जैसे अब मैम बात सुने मैम जैसे अब मुझे टाइफाइड है तो मैं वैक्सीन लगवा ही नहीं सकती तो यूनिवर्सिटी में तो फिर एंटर ही नहीं हो सकते तो क्या मतलब ऑनलाइन खुल लें क्लासेस? जी जी बेटा अगर आपने देखिए बेटा एक बार मैंने भी क्लियर की है अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगाई हुई तो आप ऑन कैंपस नहीं आ सकते ठीक है। यस मैम डॉक्टर यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए आपको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है ठीक है। एक ही बात बोलिए अरे आपने वैक्सीन होनी है वैक्सीन करें आप क्यों नहीं वैक्सीन लगवा सकती बेटा? मैम मुझे डॉक्टर ने मना किया क्योंकि टाइफाइड है ना तो उसमें वैक्सीन नहीं लगवा सकते। आपको टाइफाइड है? जी मैम। चलिए बेटा अभी आपके पास ऑप्शन है ना ऑनलाइन वाला तो आप ऑनलाइन वाला ऑप्शन अवेल कर लें। मैम मिड्स कब होंगे फिर और वो ऑन कैंपस होंगे? अच्छा अभी ये आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग तो आई थिंक आपका मिड ऑफ जून था जिसमें आपका था मिड ऑफ जून 16-17 ये वाली डेट थी जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर शेयर हुआ था ना आपके साथ एकेडमिक कैलेंडर शेयर हुआ होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। देखिए बेटा जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा सक रहे हैं फॉर सम रीजंस ये जिनका कोई वैलिड रीजन है अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको ऑनलाइन पे रहें ठीक है, बट मेक श्योर उसको आप माइंड में रखें कि अगर आपने यूनिवर्सिटी आना है तो यूनिवर्सिटी एंटर होने के लिए यूनिवर्सिटी आने के लिए यूनिवर्सिटी क्लासेस लेने के लिए आपको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है ठीक है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी आप अपना जो भी सर्टिफिकेट की सबमिशन नहीं करवाएंगे तो आप यहाँ पे क्लासेस नहीं ले सकोगे ठीक है। हम सब भी जो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं वी ऑल आर वैक्सीनेटेड। मैम आप लोग फर्स्ट डोज के बाद ही आ रहे हैं लाइक फर्स्ट डोज के बाद आ सकते हैं ना?
अच्छा हम तो जो कई क्लासेस भी यहीं से ले रहे थे तो हमारी तो सेकंड डोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है। नहीं मैम, बिकॉज़ अगर हम सेकंड डोज का वेट करेंगे तो दैट इज ड्यूरेशन ओवर फॉर 21 टू 28 डेज की होती है, तो मतलब उसके बाद फिर यानी तो फिर मिड्स तो हमारे घर में हो जाएंगे। स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आप एटलीस्ट चले बेटा एक डोज तो लगवाए ना, आप ये तो करें कि मैंने हमने वैक्सीनेशन, आप सिंगल डोज लगवा के अपना सर्टिफिकेट शेयर करके देखें कि वो क्या कहते हैं। यस मैम, बस सब बोर्ड आ जाए तो फिर आपको कार्ड मिलते हैं वहाँ से एक्सपो से, उस कार्ड के ऊपर आपका पूरा डाटा लिखा होता है की आपने वैक्सीनेशन की किस दिन शिपमेंट आई है फर्स्ट, लेकिन ये उनको लगाएंगे जो अब्रॉड स्टडी के लिए जाएंगे या फिर जिन्होंने हज पे जाना है, मींस फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको लगनी है अभी, मींस जो हम जैसे सिटीजन है उनके लिए नहीं आई है। हां कोई मैं कह रही हूं ना कि फाइजर अभी आई है, वो भी आई थिंक कि सिर्फ जो है ना ये हमारे प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल्स है जहां पे ये प्रेजेंट है और वो अगर चार्जेस लगा रहे हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज उन्होंने सेट किए हैं। तो एनीवेज बच्चों अभी आप एक्सपो से ही लगवा लें, और क्योंकि अब आपने यूनिवर्सिटी आना है और ये सब जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है ओपनिंग, तो ट्रायल है ठीक है, हमने भी लगवा लिया, आप भी लगवा लें ठीक है, हमें सुनना पड़ के तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है और उसमें जो है ना एक तो पेन और मतलब हेडेक और साथ में फीवर भी होता है, तो साइनोवैक उससे ज्यादा बेहतर है। मेरे पेरेंट्स ने वही लगवाई है, लेकिन जिन्होंने एस्ट्राजेनेका लगवाई है ना, क्योंकि फर्स्ट जो एक्सपो में आई जब शुरू शुरू में आई तो वही आई थी, ये तो अब चाइना से जब आई है तो साइनोवैक आई है ना, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है बट उसके हैं। पता क्या होता है देखिए बेटा, जैसे कोविड ने डिफरेंटली इफेक्ट किया है कुछ लोगों को, कुछ जो है उनको कोविड जो है वो डिटेक्ट हुआ था पॉजिटिव थे बट स्टिल दे वर मतलब उनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे और वो नॉर्मल थे, कुछ को सिम्टम्स आए हैं तो बहुत लाइट से सिम्टम्स हुए, कुछ को बहुत वर्स सिम्टम्स हुए, तो इस तरह से जो वैक्सीनेशन है ना सब से उसने भी यही पैटर्न फॉलो किया, कुछ में कुछ को जो है वो हेडेक और बॉडी पेन और ये सारे सिम्टम्स आए हैं, कुछ को जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ना अभी क्योंकि ट्रायल है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि इस ये वाले इस तरह, ये वाले इस तरह या ये वाले इस तरह, बट मैं आप लोगों की अगर आप चूज करना चाह रहे हैं तो साइनोवैक लगवा लें एक्सपो से, और आई थिंक अभी वहाँ पे लग भी रही है, तो ठीक है बच्चों अभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट कर लें और हम एक क्लास आई थिंक मैं एक छोटी सी मीटिंग रख लूंगी, जो भी ये कंफ्यूजन है ऑड एंड इवन वाली मैं मेल भी कर दूंगी और हम एक कुछ छोटी सी बीच में मीटिंग रख लेंगे वेडनेसडे से पहले किसी भी एक स्लॉट। मैम ऑनलाइन ही होंगी ये क्लास? जी मैम ऑन कैंपस ही है। नो मैम ऑनलाइन हो जाता तो ज्यादा बेहतर है, हमें लेक्चर्स कम रह गए हैं तो हम ऑनलाइन ही रख पढ़ लेते हैं। असाइनमेंट से रिलेटिव किसी बच्चे ने पूछा हुआ है वायरोलॉजी क्लास में है कि नहीं बेटा, आपको मैंने बताया था 5 एक्सरेज आपने लेने हैं, गूगल पे जाएं ठीक है, एक्सरे इमेज लिखें, शोल्डर एक्सरे फॉर एग्जांपल नॉर्मल शोल्डर एक्सरे का लिखें, आपने हर जितने भी मुझे 5 एक्सरे इमेजेस भेजे हैं वो नॉर्मल एक्सरे इमेजेस हैं ठीक है, अपर लिम का है लोअर लिम का है ठीक है, दो दो और कोई भी जॉइंट है आप एक चूज कर लें, जैसे सपोज अगर आपने शोल्डर जॉइंट चूज किया हुआ है तो शोल्डर जॉइंट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर है आपको जो भी वहां पे नेक ऑफ ह्यूमरस है ठीक है, शाफ्ट है, जो जो आपको समझ में आ रहा है नजर आ समझ जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं उस एक्सरे के ऊपर वो डिटेक्ट करके आपने लेबलिंग करनी है ठीक है, इसी तरह से सेम आपने लोअर लिम के किसी एक जॉइंट की लेबल करनी है ठीक है, ये दो एक्सरे इमेज हो गए, इसी तरह से आपने दो एक्सरे इमेजेस देने हैं अपर और लोअर लिम की, कोई भी डिफॉर्मिटी कोई भी फ्रैक्चर
कोई भी पोरस बोन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको डिफरेंट पैथोलॉजीज पढ़ाई थी, तो वही पैथोलॉजीज आप वो भी ले सकते हैं, कोई डिफरेंट पैथोलॉजीज लें। बस मैंने आपको ये कहा था कि बहुत ज्यादा मैच ना हो, कि आप एक दूसरे से कोलैबोरेशन ना रखें इसमें कि मैंने कौन सी पैथोलॉजी चूज की है। डिफरेंट पैथोलॉजी खुद से अपने माइंड से सोचें या डिफरेंट फ्रैक्चर सोचें और उसको लेबल करके आप मुझे भेज देना, ठीक है। और एक फिफ्थ जो आपने एक्सरे भेजना है वो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे का इमेज होगा, जो हमने चेस्ट एक्सरे में पढ़ा भी था, ठीक है। और ये इसी तरह से उसको गूगल से आप जो है वो सर्च करें, उसको प्रिंट निकलवाएं, उसके ऊपर लेबल करें बाय हैंड, हाथ से आपने लेबलिंग करनी है। जैसे मेरी लेबलिंग होती है कंप्यूटर के ऊपर या जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वाली लेबलिंग, वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। बाय हैंड लेबलिंग करनी है, ये आप सब लोग नोट कर लें। अगर बाय हैंड लेबलिंग नहीं होगी तो वो कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। बाय हैंड लेबलिंग करके उसको स्कैन करके मुझे सेंड कर दें। वैसे तो अब हमारा वैसे ऑन कैंपस ना भी हो, तो एनीवेज आप लोग एलएमएस के ऊपर इसकी सबमिशन करवा दीजिएगा, ठीक है, स्कैन कॉपीज। मतलब मैम ये वाली क्लास हमारी ऑनलाइन होगी जी? ये वाली क्लास हमारी ऑनलाइन हुआ करेगी बेटा? देखिए अभी कंप्लीटली ऑन कैंपस और कंप्लीटली ऑनलाइन तो नहीं ना, हाइब्रिड है, ठीक है। तो आप लोग देख लें, हम एक मैंने अभी कहा कि लेक्चर रख लेंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। इवन नॉट वाली जो भी पॉलिसी है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन रखना चाहते हैं तो भी मुझे बता दीजिएगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, हम इसको कम्प्लीटली ऑनलाइन रखेंगे, ठीक है। आपकी म्यूचुअल कॉर्पोरेशन पे है, जिस तरह से आप कहेंगे उसी तरह से हम इसको चल रहे, ठीक है। यस मैम ऑनलाइन ठीक है। अच्छा बेटा आपको कौन सा लेक्चर, अगर एलएमएस पे कोई लेक्चर नहीं मिल रहा तो आप ड्राइव देख लें, ठीक है, ड्राइव पे भी मैंने आपको शेयर किए हैं। और अगर वहां भी नहीं मिलता फिर मुझे मेल कर दें, मैं उसको चेक कर लेती हूँ, ठीक है। ये जिस भी स्टूडेंट ने मुझे जो है मैसेज किया हुआ है हेना ने, ओके बच्चों क्लास में बैठ कर देती हूँ और इंशाल्लाह वेडनेसडे से हमारा नेक्स्ट जो है जो भी लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।